ओ चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर। राम राम बाबू, क्या हाल है? बढ़िया सब। हेलो भैया, चना खाओ गर्मा गर्म। इमली ले लो, इमली ताजी ताजी खट्टी मीठी इमली, जिसको देख के जिया लल जाए, लड़कियों का मन भा जाए। इमली ले लो इमली। चना चोर गरम। हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से आज कोमल इस गुलाबी साड़ी वाली औरत से मिलने आने वाली है। कोमल आज किसी भी हाल में इस औरत से मिलने आएगी। अवस्थी, जो गुलाबी कपड़ों में औरत बैठी है उस पर से नजर रखनी ही चाहिए। उसी से मिलने कोमल आने वाली है। कड़ी नजर रखो एक एक लड़की पर, वो किसी भी भेष में हो सकती है। खट्टी मीठी इमली, जिसे देख के जिया ललचाए, लड़कियों के मन को भाए। रिक्शे में अभी अभी बुरखे के अंदर कुछ लड़कियां उतरी हैं, उन पर कड़ी नजर रखो। कोई पैनिक मत होना, हमारी टारगेट वो लड़की होगी जो उस गुलाबी कपड़े वाली औरत से मिलेगी। तब तक कोई एक्शन नहीं लेगा, समझे? वरना कोमल हमारे हाथ से जा सकती है। सारन कोमल नहीं बचाया होगा, उसे पता चल गया होगा कि हमने उसके लिए जाल बचाया होगा। मैडम, कोमल उस तरफ भागी है। कोमल, we'll be right back.
एक सेकंड रुक जाए यार। बोल। पहचानो कौन? हाँ ठीक है चल बाय। अरे हट, पहचान लेती हूँ मारे को। हरम, तुम्हारा चेहरे को क्या हुआ? बड़ा उतरा उतरा है, क्या बाहर जाने लगी हो धूप में? देखो तो रंग कैसा हो गया, बाहर नहीं जाना, कोई भी काम हो ना मीना भाभी को बता देना, मैं फौरन कर दूंगी। हाँ आपको कुछ काम था क्या? हाय, नजर न लग जाए मारी लाली माँ को, तुम ना मुझे इसीलिए बड़ी अच्छी लगती हो, मारे मन की बात फटाफट जान लेती हो। अब मैं क्या बताऊँ कि वो जो सगाई वाले दिन तुम्हें मैंने वो लहंगा दिया था ना, वो मारी एक कस्टमर मांग रही थी, मरी को मैंने बड़ा मना करा कि मैंने तो लाली माँ को दिया है, मगर डिजाइनर लहंगा सुन के ना उसके मुंह से तो राल निकलने लगे, तो कह रही थी कि मुझे दे दो। आप तो मैंने कहा भाई मैं लाली माँ से पूछ लेती हूँ, दिल की बड़ी बड़ी है, मतलब दिल बड़ा बड़ा है उसका, दे देगी, पूरा नहीं मानेगी, तो मैं ले लेती हूँ ना अपने आप। ये वाली अलमारी में रखा होगा है ना, तुम तो परिवार वाली हो, तुम ही लो फल खाओ, मैं खुद ले लेती हूँ, है ना? हम दोनों में तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, अभी मैं ले लेती हूँ। मीना जी रहने दीजिए ना, इतना चलने का कष्ट क्यों कर रही है आप? वैसे भी इतनी हाँ मीना भाभी आप बैठिए, आप बैठिए, आप ये फ्रूट्स खाइए ना, मैं निकालती हूँ। अच्छा खाइए आप ही ना। अशोक रोक लीजिए, मैं आपको एक बार बता, वो लहंगा मीना है, किसी के भी हाथ नहीं लगना चाहिए, मुझे कुछ करना होगा। पता नहीं मैंने लहंगा कहाँ रख दिया, अंदर तो कहीं पर भी नहीं है। नहीं है? आप चिंता क्यों कर रही हैं? आप मुझे एक दिन दीजिए, मैं वो लहंगा आपको खुद ला कर दे दूंगी। वो इतने सारे लोग थे ना, इतने मेहमान आए हुए थे, पता नहीं हड़बड़ी में कहाँ रख दिया होगा। हाँ कोई बात को नहीं, अब मैं एक दिन देती हूँ ना मैं, लेकिन एक दिन में ढूंढ देना। हाँ वो कस्टमर से एडवांस ले लिया ना मैंने, इसीलिए। तो तुम फिर उठ खाओ, सेहत बनाओ, लेकिन मारा लहंगा जरूर ढूंढ देना, किसी को कहना नहीं। हाँ जी, नहीं तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। हाँ लोकेश, अगर संध्या तक ये बात पहुंच गई तो उसने कल ही मुझसे इस लहंगे के बारे में पूछा था और मैंने कुछ भी बोल के बात टाल दी थी, और कितनी देर हम झूठ बोलेंगे? अगर हमारा ये झूठ उसके सामने आ गया तो क्या करेंगे हम? नहीं जी, कुछ भी करके ये बात संध्या जी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, हमें इसके पहले कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है ये, इतने दिन हो गए संध्या राठी के देवर की हत्या हुए लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा, ना कातिल और ना ही कत्ल करने का मकसद। इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हमारे दोनों ऑफिसर डिपार्टमेंट के सबसे होनहार ऑफिसर है, उसके बावजूद भी यह केस सॉल्व नहीं हो रहा है। हमें कहां कहां से फोन आते हैं और किस तरह हम उनको जवाब देते हैं? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, बस थोड़ा सा वक्त और चाहिए। मिस्टर त्रिपाठी, वक्त ही तो नहीं है हमारे पास में, आप लोग याद रखिए कि ये केस सिर्फ 3 दिन हमारे हाथ में, अगर 3 दिन में इस केस को हमने सॉल्व नहीं किया तो ये केस CIB के हाथ में चला जाएगा। ट्राई टू सॉल्व दिस केस एज सून एज पॉसिबल। मुझे प्लीज यहां से बाहर निकालो, बहुत डर लग रहा है। मुझे निकाल, प्लीज मुझे यहां से निकालो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे रास्ते में आई, मुझे माफ कर दो। पता नहीं वो कौन सा मन उस दिन था जिस दिन मोहित मेरी जिंदगी में आया,
मुझे निकालो यहाँ से, मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। निकालो यहाँ से प्लीज, मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज। कोमल शांत हो जाओ और खाना खा लो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ और ना ही मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें आजाद नहीं छोड़ सकती। प्लीज मेरा साथ दो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कब तक इसे यहाँ इस तरह से छुपा कर रखोगे बेटा? जब तक सब ठीक ना हो जाए। मम्मा मैं घर जा रही हूँ, इसे किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हाँ मम्मा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगी। माँ हूँ तुम्हारी, फिर भी कभी कभी तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ मैं। अरे जिस औरत ने तुमसे तुम्हारा पति छीना है, बल्कि आज जो कुछ भी हो रहा है उन सबके पीछे कहीं ना कहीं यही औरत जिम्मेदार है, उस पर तरस खाने की वजह क्या है बेटा? नहीं मम्मा, आप गलत समझ रही हैं। रिश्तों के बिखरने का इल्जाम हर बार औरत के सर पर ही क्यों डाला जाता है? अग्नि के सामने सात फेरे लेकर मोहित ने मुझसे रिश्ता जोड़ा था, कोमल के साथ रिश्ता जोड़कर मोहित ने मुझे धोखा दिया। कोमल ने नहीं तो हर बार हर इल्जाम औरत के सर पर ही क्यों? दो औरतों की जिंदगी में तूफान लाने वाला कौन है? उनकी बीच की कड़ी वो मर्द ही है ना? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। 1 2 3 सब ये राहुल वंदी श्रुति मेरी टीम में ये। बस एक बार टीवी में आ जाए फिर तो के है, छोटे क्या घर के बड़े भी आगे पीछे घूमेंगे मारी छोरी के। अरे मीना जी, मैंने सुना है कि मिश्री जयपुर जा रही है शूट के लिए। थैंक यू या या। आपको तो बहुत सारी शॉपिंग करनी होगी ना, मतलब मिश्री के कपड़े, मेकअप का सामान, जूते चप्पल वगैरह। लालिमा नो नो, अरे आपको के पता आजकल शूटिंग में ना सारी चीजें मिले हैं, कपड़े लत्ते जूते चप्पल मेकअप सब कुछ। पट्टे तो वहां पे बढ़िया वाला खाना भी मिले हैं, बस भगवान का शुक्र है और जेठ जी का शुक्र है जो भाभों को मना लिया। हाँ अब हम जयपुर जा रहे हैं। ये कब से है ना ये कॉन्स्टेबल घर की तरफ ही देखे जा रहे हैं और कभी इधर कभी उधर देख रहा है। अरे कॉन्स्टेबल जी, कॉन्स्टेबल जी अठी आइए, इधर आइए जरा। मारे को एक बात बताइए, आप कभी इधर से उधर, उधर से इधर, चाय पे चाय और यहाँ पे देखे जा रहे हैं। जेठानी जी को क्या कंप्लेन करूं? उन्हीं का तो हुकुम बजा रहा हूं बहन जी, उन्होंने ही कहा है यहाँ पे निगरानी रखने के लिए। 24 घंटे तुम पुलिस की नजर में रहोगे। अरे मीना जी, हाँ आप बिना पूरी बात समझती नहीं है। मैं नहीं समझती, IPS ऑफिसर घर है तो पुलिस की ड्यूटी तो लगेगी। हाँ सही कह रहे हो, ये रो, देखते रहो। जी जी अंदर चले। थैंक गॉड शादी तक लालिमा जी को मेरे बहन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आखिर इनमें से वो कौन सी कड़ी है जिसे हम भूल रहे हैं? कौन हो सकता है मोहित का कातिल? एमिली या लोकेश? कोई सबूत नहीं है जो ये प्रूफ कर दे, पर कोई तीसरा। उस दिन मोहित राठी की लाश मिलने की खबर देने के लिए जो फोन आया था वो तुमने उठाया था? जी सर।
ठीक से अपने दिमाग पर जोर डाल के अच्छी तरह सोच के बताओ कि उस इन्फॉर्मर ने तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन दी थी। मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, उसने किस टोन में बात की थी, तुमसे क्या क्या बातें की थी। एक भी बात मिस मत करना, हर चीज इस केस के लिए बहुत जरूरी है। सर उसने बस इतना कहा था कि अजमेर हाईवे पर टोल नाके से आगे कुएं में एक लाश पड़ी है। फोन रिकॉर्ड के हिसाब से 48 सेकंड आप दोनों की बात हुई है। 48 सेकंड में सिर्फ इतनी सी बात की उसने? जी सर। चलिए काम करते हैं, इस सीन को दोबारा रिक्रिएट करते हैं। जी सर। रिक्रिएट करने का मतलब है इस सीन को दोबारा दोहराते हैं। जी सर। इस बार मैं तुम्हें फोन करूंगा इन्फॉर्मर बनके, और तुम ठीक उसी तरह बात करोगे जिस तरह तुमने उस दिन उस इन्फॉर्मर से बात की थी। शायद ऐसा करने से तुम्हें कुछ याद आ जाए, शायद नहीं, याद आना चाहिए। जी सर। किस नंबर पर फोन आया था? जी सर, उस वाले नंबर पर। संध्या के फोन पर? हाँ सर, वो संध्या मैडम वाले नंबर पर ही आया था। जाइए फोन उठाइए। जी सर। घंटी बज रही है। जी सर। उठाओ। यस सर। उठाओ। यस सर। इसी तरह फोन उठाते हो? यस सर। एक मिनट, ये इसी फोन पर आया था फोन? लेकिन ये फोन तो नया लगा है। फैक्ट, जिस दिन मोहित का मर्डर हुआ था ये फोन उसी दिन लगा था। ये नंबर तो किसी के पास भी नहीं है, मैंने किसी को नहीं दिया। फिर नंबर उस दिन मैंने सुरजीत, एक नंबर लिखे ना, ये आपके ऑफिस का अपना नंबर है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।